Krishna Chaitanya
dar deva sadi gaur bhakt Thank you.
हम लोग
लोगों का बड़ा अच्छा दिन है, आज सबसे बड़ी एकादशी है आज, जिसको कहते हैं पांडवा निर्जला एकादशी, ये तो भौमी एकादशी है। इसलिए अभी बता रहे थे इसका एकादशी का सबसे बड़ी एकादशी क्यों, और ये एकादशी का सबसे बड़ा महात्मा क्यों है। कारण है भगवान कृष्ण जब आए सबके सब एकादशी रखा करते थे, सबके सब। अभी पांडव लोगों को भी एकादशी रखना पड़ता है, लेकिन भीम जी का एक नाम है कहते हैं ब्रिकोदर है, भीम जी का नाम ब्रिकोदर है, जिसका उदर बहुत बड़ा है और बहुत जो खाता है उसको मेंढ मेंढ भोजन चाहिए। इसलिए माता कुंती जब भोजन बनाती थी, जितना भोजन बनाती थी सबको दो भाग कर देती थी, दो भाग में जो एक भाग तो पूरा भीम खाता था और एक भाग ये चार पांडव और कुंती मिलकर के एक भाग खाते थे, मतलब भीम इतना खाता था। अभी सबको एकादशी करना पड़ता है, लेकिन उसका नाम ब्रिकोदर है, अभी उसको भूख सहा नहीं आता, उसको मिनट मिनट भी भोजन चाहिए। इसलिए अभी ऐसे हम एकादशी में कुछ ले लेते हैं, फल मूल थोड़ा कुछ ले लेते हैं, लेकिन पहले एकादशी का यही नियम है, एकादशी का एक दिन पहले एक बार भोजन करें, रात को भोजन नहीं करनी चाहिए, और एकादशी का दिन पूरा निर्जला करें, पानी तक भी नहीं पिए, और दूसरे दिन समय का अनुरूप जो व्रत खोलना होता है, एक समय दिया रहता है, इसको अंदर में हमको व्रत खोलनी चाहिए। जो चीज एकादशी का दिन नहीं चलता है, अन्न को द्वारा ठाकुर जी को भोग लगा करके, वो प्रसाद को द्वारा, जो चीज एकादशी का दिन नहीं चलता है, अन्न है भोग लगा करके उसको ग्रहण करनी चाहिए, तब एकादशी का पूरा फल मिलता है। लेकिन भीम को तब रहा नहीं जाता, इसलिए वो एकादशी नहीं रख पाता। तब भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भीम, आज का जो एकादशी देखो, ये आज एकादशी सबसे बड़ी एकादशी, अगर आज का एकादशी का अगर तुम पालन करोगे ठीक से, साल भर का जो एकादशी का फल तुमको मिल जाएगा। इसलिए आज का दिन भीम बड़ा कष्ट सह करके आज का एकादशी को श्री भीम से रखता था, इसलिए ये एकादशी का सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती। इसका मतलब नहीं दूसरे साल का जो दूसरा एकादशी को हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं, वो एकादशी हमें रखनी चाहिए। एकादशी का दिन और नवमी सारे पाप आश्रय करके रहते हैं, इसलिए पुराण में बहुत स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सब पुराण में श्लोक आया है कहते 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक एकादशी व्रत रखनी चाहिए। और एकादशी का दिन और नवमी गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, जो 5 तरह का जो महापाप है, वो एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करके रहता है। इसलिए आप भागवत पढ़ो, भागवत में आपको और कोई बार व्रत का नहीं आता है, जैसे कोई सोमवार रख देता है, कोई बुधवार को व्रत रखता है, कोई मंगलवार, अलग 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 सब व्रत रखते हैं, लेकिन भागवत में आपको कोई व्रत का नाम नहीं आएगा, केवल एक ही व्रत आएगा जिसको श्री अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी का राजा होते हुए भी जो एकादशी व्रत को ये अम्बरीश महाराज रखा करते थे, और एकादशी व्रत रखते हुए कभी एकादश इंद्रियों को, इतने बड़े राजा होते हुए भी अगर हमारा पास में थोड़ी सी पैसा हो जाए, हम क्या करेंगे, एक मंदिर खोल देंगे, एक ठाकुर जी को स्थापन कर देंगे, एक पूजा रख देंगे, हाँ ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगाए और हम मस्ती मारेंगे। लेकिन अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी का राज्यत्व को प्राप्त करते हुए लेकिन सारे इंद्रियों को दे करके भगवान का सेवा में लगा कर रखते, नौकरों को दे करके, मंत्रियों को दे करके ये राज कार्य चलाया करते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा किसको नहीं देते थे। ठाकुर जी का सेवा अपना हाथों से, ठाकुर जी की ये सेवा करते थे। बोले कैसे करते थे, तो उनका वर्णन आता है, बोले सब ही मन कृष्ण पदार बिंदयो बचा शिव को गुणानुवर्णने। कहते पृथ्वी का राजा है, करते क्या, मतलब बचन के द्वारा भगवान की गुण कीर्तन करते हैं,
एकादशी मतलब ग्यारह है, एकादशी मतलब ग्यारह है, कथा हमारी ग्यारह इंद्रिया है, इसलिए इंद्रिया का एक नाम है ऋषिक और भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, भगवान का नाम ऋषिकेश है और इंद्रियों का एक नाम है ऋषिक और भगवान ऋषिकेश है, मतलब ऋषिक को द्वारा ये इंद्रियों को द्वारा जो इंद्रियाधिपति जो भगवान की सेवा में हमारा इंद्रियों को लगानी चाहिए, इसलिए अम्बरीश महाराज एकादशी का दिन एकादश इंद्रियों को संपूर्ण भगवत सेवा में लगाया करते थे और कानों के द्वारा क्या करते थे बोले भगवान की कथा सुनते थे, इसलिए पुराण ने बताया अगर जिह्वा के द्वारा भगवान की गुण कीर्तन करते थे, अगर इन्हीं जिह्वा से भगवान की गुण कीर्तन नहीं करे, सुधो गोस्वामी कहते हैं फिर ये जिह्वा क्या है बोले बिलवत उरुक्रम विक्रमा, बिल मतलब मेढक, मेढक नाम सुने हो आप, देखना बरसात का समय में मेढक ट्रैक्टर ट्रैक्टर करता है, ट्रैक्टर नहीं करता है, मेढक अपना बीवी को बुलाता है बीवी आ जा, लेकिन मेढक का जो काल है सर्प है, सर्प का आहार होता है मेढक और सांप देखता है मेरा आहार मेरे को ही बुला रहा है, इसलिए सर्प धीरे 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 आकर झट मेढक को पकड़ देता है, फिर मेढक टेढ़े करना शुरू कर देता है, खैर उसी तरह सुतो गोस्वामी कहते जब हम इस जीवा को द्वारा भगवान की कीर्तन छोड़ करके जब वो दुनियादारी की बात करे संसार की बात करे, कभी जो काल सर्प है कभी काल रूपी सर्प एक दुनिया के हमें ग्रास कर लेगा, मतलब अगर इन कानों से भगवान की कथा सुनेंगे तो हाँ तब तो सार्थकता है, अगर भगवान की कथा नहीं सुन करके सारा दुनिया की कथा सुनेंगे तो सुतो गोस्वामी कहती ये कान नहीं कहती ये दो बील है, बील मतलब गड्ढा है जिसमें सांप रहता है, कृष्ण कथा ही एकमात्र हाँ सही कथा है, तो दूसरी कथा है कभी ये काल है, ये काल रूपी सर्प मानो कान में निवास करता है, कभी ये आंखों को द्वारा अगर भगवान को दर्शन करे कभी आंखों का सही है, नहीं तो आंखों से अगर प्रभु का दर्शन नहीं करे बोले ये आंख नहीं ये पांख है, पांख मतलब मयूर पंख में देखना सुंदर आंख बना हुआ का है, उसमें क्या होता है कोई लाभ नहीं, कर उसी तरह इन आंखों से जब हम भगवान का दर्शन करें कर अखनताम फलमिदम, गोपियां कहती हैं ये आंखों का सही सार्थक था जब हम भगवान को दर्शन करें, कर यहां से यहां तक हम चुड़िया हाथ में सोने की चुड़िया पहन कर रखे हाथों में, लेकिन इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करते, बोले हाथ क्या है बोले सब करो ये दोनों हाथ हाथ नहीं ये तो मरा हुआ हाथ है, और इन हाथों से पूर्वजों को अगर कोई वस्तु दे वो स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारी मरा हुआ हाथ है, इन हाथों से हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, कर भगवान प्यार क्यों दिया है, अम्बरीश महाराज प्यार क्या करते थे भले तुलसी परिक्रमा ठाकुर की मंदिर परिक्रमा भगवान के धाम की परिक्रमा में ही सार्थकता है, सारा दुनिया में हम जाते हैं लेकिन भगवान की कथा में मतलब ठाकुर जी का भजन में कई मतलब नहीं, कहते प्यार नहीं कहते द्रुम जन्म भाजो, मतलब जैसे पेड़ होता है जैसे एक जगह पेड़ जैसे खड़ा होता है कहते उसी तरह ये प्यार नहीं ये वृक्ष है, भगवान अगले जीवन में और ये इंसान का जीवन नहीं देंगे हमें पेड़ का जन्म दे देंगे, पेड़ बन के रहो तुमको प्यार दिया लेकिन तुमने मेरी सेवा में नहीं लगाया, इसलिए ये अम्बरीश महाराज सारे पृथ्वी का राजत्व प्राप्त करते हुए भी लेकिन सारे इंद्रियों को देकर के ठाकुर जी की सेवा करते थे, पहले पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे क्योंकि जो जितना शादी करता है ना उसका उतना महत्व होता था, बाबा ये राजा इतने प्राणी, एक पत्नी को पालना करना आपको पता कितना कठिन होता है एक पत्नी और जो जितने इतने पत्नी को पालन करता था पहले राजा का दशरथ महाराज का तीन से रानी आती उसमें तीन रानी श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए जो जितने पत्नी को पालन कर पाता था रानियों को उसका नाम उतना होता था, इतने राजा इतने रानियों को पालन कर रहा है राजा को महिमा होता था बढ़ता था, कृष्ण को देखो 16108 पट रानियां कृष्ण के, इसलिए चित्र के तो महाराज सत्यजुग में हुई बोले जिनके 1 करोड़ पत्नियां थी, इतने इतने पत्नियां 1 करोड़ पत्नियां थी, इसलिए अम्बरीश महाराज पहले राजा लोग शादी उनको गौरव होता था जो जितना शादी करता था,
अर्जुन का भाई पांडवों का भी अलग अलग सब पत्नियां, अर्जुन को तो बहुत सारी पत्नियां थी, भीम के भी अलग अलग पत्नियां द्रौपदी को छोड़ करके। इसलिए राजा पहले बहुत शादी करते थे, अभी अंबर सिंह महाराज और एक नई शादी किया, अभी घर में नई रानी आई। लेकिन अम्बरीश महाराज दिन में एक बार भी वो छोटी रानी से मिलने नहीं जाते। अभी रानी सोच रही है मेरे को शादी करें घर में ले आए, अरे कम से कम एक बार तो आगे देख करके जाए रानी कैसे तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, एक बार तो पूछे, राजा पूछते ही नहीं। एक दिन जो छोटी रानी थी देखने के लिए गई, ये करते ही दिन भर क्या, एक दिन में एक बार भी आते नहीं। जो छोटी रानी देखने के लिए आई, देखा अम्बरीश महाराज ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते हैं, उठ करके स्नान करते हैं, तिलक लगाते। देखो नियम है, हमको तिलक लगानी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, ये जो तिलक लगाते हैं ये तिलक की बड़ी महिमा, ये गोपियों की चरण धूलि है। हाँ? ये तिलक लगाए बगैर ठाकुर को सभा में हमारा अधिकार नहीं होता है। आपको पता होगा घर में जब ब्राह्मण आता है पूजा से पहले तिलक लगाता है, हाँ? तिलक लगा करके फिर पूजा सभा करवाता, नहीं तो पूजा निष्फल हो जाता है। और हमारा संप्रदाय में जो तिलक है ये गोपियों की चरण धूलि है, ये आता है द्वारका से। जिस तिलक को स्वयं भगवान कृष्ण, जिसको द्वारा जिनको भगवान का अभिषेक की गई है, और ये तिलक का सब अलग अलग नाम है। मानो तिलक बार जगह में हम तिलक लगाते हैं, हाँ? संपूर्ण शरीर को कवच जैसे रखा करता है। इसलिए कोई स्टूडेंट बिना तिलक के क्लास में आ गया, महापुरुष स्वयं टीचर थे, बच्चे को क्लास में बैठने नहीं दिया, घर में जाओ तिलक लगा कर तुम नहीं आया, तिलक लगा कर गुरु मंत्र जप कर क्लास में आना। तो प्रभुपाद इसी विषय में बहुत बड़ा कमेंट्री लिखते हैं, तिलक की क्या महत्व है। देख राम को देखो, कृष्ण को देखो, नारायण को देखो, सब भगवान तिलक लगाए। अगर तिलक के कोई भगवान को देखने को नहीं मिलेगा, किसी देवता का खाली ललाट नहीं देखोगे, सभी का ललाट में तिलक है। इसलिए अम्बरीश महाराज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पर तिलक लगाए, अपना गुरु मंत्र जप किया, गुरु मंत्र जप करके अपने हाथों से उन्होंने ठाकुर जी को पट खोलते हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी को आरती उतारे, ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग लगाए, ठाकुर जी के लिए चंदन घिसे, ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन करके ठाकुर जी के लिए उन्होंने माला बनाए, ठाकुर जी को गला में माला पहनाए, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए। रानी देखा जितने ठाकुर जी की सेवा वो अपने हाथों से कर रहे, किसी को करने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है राज्य तो आज है कल रहेगा नहीं। और ये जो मानव जन्म बड़े भाग्य से मिला है, अगर ये मानव जन्म में हम प्रभु का भजन नहीं करेंगे, प्रभु दोबारा ये जन्म और नहीं देते हैं, फिर तो 84 लाख जन भटकना पड़ता है। हाँ, इसलिए सिर्फ शरीर का तभी लाभ है जब किसी शरीर से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसलिए देखा राजा मंत्रियों को उधर राज्यकार्य कराते हैं, लेकिन ठाकुर जी को सेवा किसको करने नहीं देते। छोटी रानी ने देखा ओ राजा दिन भर ठाकुर जी को सेवा करते हैं, इसलिए राजा को फुर्सत नहीं मिलता, मैं कल से, आज देख लिया ना राजा क्या क्या करते हैं, कल से थोड़ा राजा को मैं मदद कर दूंगी, करूंगी तो दो हाथ से अगर चार हाथ हो गया जल्दी जवाब हो जाएगा, फिर राजा आकर के हमसे मिल देंगे। रानी ने किया कि राजा उठने से पहले उठ गए, और रानी नहा धो करके देखा ठाकुर के लिए कैसे पुष्प चयन करते हैं, कैसे चंदन घिसते हैं, ठाकुर जी के लिए माला बनाते हैं, उन्हें देख लिया। वो पहले से उठ कर किया कि ठाकुर का सार सेवा करके मंदिर साफ सुथरा करके ठाकुर जी के लिए सब कुछ भोग रहा सब रेडी करके सब रख दिया। अभी राजा अम्बरीश महाराज उठे, उठ करके नहाए धोए तिलक लगाया, अपना गुरु मंत्र जप किया, माला जप करके जब वो सेवा देखने के लिए करने के लिए गए, देखे सारे सेवा रेडी, कोई सेवा करने का जरूरत नहीं। अगर हमारा कोई काम कोई दूसरा कर देना बोला अच्छा हुआ आज सर रेस्ट कर लेंगे लेकिन राजा सुखी नहीं हुए, राजा को तो राग क्रोध आ गया, कल मेरे सारे सेवा किसने छीन लिया, किसने मेरे सारे का सेवा ले लिया। हाँ, क्यों, ठाकुर को सेवा में आनंद है ना, भगवान का सेवा है। इस जगत में अगर किसी व्यक्ति को हम खुश करके सेवा करके हमको भी खुशी लगती है, और भगवान के लिए अगर कोई करे ठाकुर जी के लिए कितने खुश नहीं होगा, कितना आनंद नहीं मिलता होगा। राजा क्रोध आ गया, मेरे सेवा को किसने छीन लिया। देखा ये छोटी रानी ने सब, बोले रानी तेरे को ये सेवा करने का क्या जरूरत। बोले महाराज मैंने देखा आप दिन भर आप सेवा करते हो, आप शादी करके मेरे को लाए, दिन में एक बार भी मिलने नहीं आते,
मैंने देखा अगर थोड़ी सी मैं हाथ लगा दूं, दो हाथ से चार हाथ हो जाए तो जनता सेवा जाएगा। राजा ने बोला नहीं, अगर तुमको ठाकुर की सेवा करना हो तुम बोलो, तेरे घर में भी एक ठाकुर को मैं स्थापन कर देता हूँ, तुम अपना ठाकुर का सेवा करो, मेरे ठाकुर का सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर राजा ने बोली ठीक है महाराज, आप मेरे घर में भी एक ठाकुर स्थापन कर। राजा ने उनके घर में एक केशव देव नाम के एक ठाकुर जी को उनके घर में भी कृष्ण का स्थापन कर दिया, जो तुम अपना ठाकुर का सेवा करो। अब स्त्रियों में एक गुण है, माताओं में क्या गुण है, पुरुष लोग तो एक पैंट एक कोट कुर्ता पहन लिया इतना, लेकिन दुकान में जितना श्रृंगार जितना ड्रेस का सब माताओं के लिए, सारे कपड़ा लता जितने स्नो पाउडर सब माताओं के लिए है, इसलिए वो अच्छे तरह से श्रृंगार करती है, कहती एक गुण है। अभी राजा ठाकुर का सेवा कर रहे हैं श्रृंगार करते हैं, लेकिन रानी जब ठाकुर का सेवा करती है सजाती है इतने सुंदर सजाई, क्यों खुद को सजाती है ना, इसलिए उसको पता है कैसे सजानी चाहिए। वो ठाकुर जी को इतने प्यारा इतना सुंदर ठाकुर जी के लिए श्रृंगार अलका तिलक और कपड़ा माला बनाए, राजा देखने गए ये छोटी रानी ठाकुर जी को कैसे सेवा करती है। राजा जाकर के देखा इतना सुंदर ठाकुर का श्रृंगार किया, राजा ने देखा इतना दिन से मैं भी सेवा करता हूँ लेकिन मैं इतने सुंदर ठाकुर जी को सेवा नहीं कर पाती हूँ, हाँ पाता हूँ, लेकिन ये रानी तो गजब कर दिया कमाल कर दिया। राजा तो खुश हो गए, पीठ पर हाथ थोपते बोले रानी धन्यवाद तेरे को, तुम तो मेरे को भी फेल कर दिया। अभी राजा किसी रानी के घर में नहीं जाते, राजा भी छोटी रानी के घर में जाते और भी रानियां। अभी रानी आने में काना फुस होने लगी, शौक लगती है ना, बोले क्या बात है राजा तो किसी रानी के घर में नहीं आते, ये छोटी रानी के घर में इतना चक्कर क्यों लगा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। उन्होंने दासियों को भेज दिया, देखो तो राजा करते हैं क्या जा करके वहां। दासियों ने देखा राजा रानी से मिलने नहीं आते, राजा तो ठाकुर जी की सेवा देखने आती है, छोटी रानी कितना सुंदर सेवा करती है। जब ये रानियों को सब पता चला ना, सब के सब रानी राजा के पास में आ गए, बोले महाराज अब हमारा घर में भी एक ठाकुर स्थापन करो, हमारे घर में भी एक ठाकुर स्थापन करो, हम भी ठाकुर का सेवा पूजा करेंगे। राजा तो खुश हो गए, किंतु राजा तो वैष्णव थे ना, भक्त थे, वो तो यही चाहते हैं जब सबके सब हमारे जितने चेष्टाएं जब सबके सब ठीक ठाकुर जी को सेवा में लग जाए, समझो सब सार्थक हो गया है, भगवान की सेवा में हमारा सब चेष्टा लग जाए। राजा खुश हो गए, बोलते मैं तो यही चाहता था। फिर राजा सब रानी के घर में ठाकुर स्थापन कर दिया। अभी रानियों में कंपटीशन लग गई, बोले कौन कितना ठाकुर जी को श्रृंगार करता है सजाता है, और जो जितने सुंदर सजाता है सजाती है राजा उसको उतना खुश होते आशीर्वाद देते हैं। अभी राजा ने सोचा बहुत अच्छा हो गया, कम से कम हमें रानियां सबके सब ठाकुर जी की सेवा में लग गए। इसलिए कहती है अम्बरीश महाराज ऐसे भक्त थे, ऐसे एकादशी में संपूर्ण एकादशी नहीं संपूर्ण जीवन को जो भगवान की सेवा में लगा कर रखी, और विष्णु भक्त मात्र से ही भगवान का भक्त मात्र से ही वो एकादशी व्रत रखते थे। इसलिए ये अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखा करते थे, जो एकादशी व्रत रखा करते थे। दुर्वासा एक जीन द्वादश का दिन दुर्वासा आ गया, नियम है जब हम एकादशी व्रत रखे दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन नियम कोई साधु संतों को खिला करके जब हम भोजन करते हैं एकादशी का फल पूर्ण रूप में मिलता है, साधु संतों को जो दान दक्षिणा देकर करे तब उसका पूरा फल मिलता है। अभी देखा दुर्वासा जैसे सवेरे सवेरे आए, अम्बरीश मास खुश हो गए, अहो भाग गए आज हमारे घर में दुर्वासा जी आए, इनको भोजन करके फिर तो आज मैं व्रत करूंगा। तो बोले आप कृपा करके आए भोजन करो, बोले मैं स्नान करके आता हूँ यमुना में। अभी स्नान करने के लिए गए, एक नियम है पंजिका में समय दिया रहता है इतने समय के अंदर में त्रयोदशी आ जाने से पहले नियम है इसका अंदर में आपको ये व्रत खोल देनी चाहिए, हाँ इसलिए अभी उन्होंने देखा वो समय तो निकल तो भी जा रहा है, नियम है अगर समय का अनुरूप हम व्रत नहीं खोलते हैं फिर एकादशी करने का फल हमें मिलेगा नहीं। पर उन्होंने देखा क्या करनी चाहिए, और घर में संत साधु आए बिना खिलाए भोजन करना पाप भी लगता है। अभी बड़े दिविधा में पड़ गए, ब्राह्मणों को पूछे बोले देखो आप तो निर्जला एकादशी रखे हैं, जल तक भी नहीं लेते थे, एक काम करो भगवान पूजा करके ठाकुर जी का जो चरणामृत थोड़ी सी ले लो,
चरणामृत, क्योंकि चरणामृत लेने पर पानी है ना, वो खाना नहीं खाना दोनों होता है, ये उसको माना नहीं जाता, थोड़ा पानी लेने से चरणामृत लेने से भोजन हो जाए, अब दोनों काम हो जाएगा। जब उन्होंने ठाकुर जी थोड़ा चरणामृत ले लिया, लेकिन दुर्वासा तो साधारण थे ही नहीं, वो तो शंकर जी का बता रहे, वही से वही सही पता चल गया, ये मेरे को बिना दिए उसने चरणामृत लिया है। दुर्वासा जी क्रोधित होकर के आए, बोले तुमने मेरे को निमंत्रण दिया घर में, बिना खिलाए तो खा लिया कैसे? उनको क्रोध आया, बोला अभी तेरे को दिखाता हूँ। उनने जटा से एक बाल उन्होंने उखाड़े और नीचे पटक दिया, पटकते ही वहां पर एक दैत्य प्रकट हो गया, बोले जाओ ये अंबर से महाराज को खत्म कर दो। अभी वो कृत्या अग्नि रूप धारण करके जब उनको मारने के लिए गए, लेकिन अंबर से महाराज ये तो भगत है और भगवान का परम भगत है, ये तो भक्त जो होते हैं वो भगवान को घर में संपूर्ण शरणागत होते हैं। कहते उनका एक लक्षण है रक्षिषति इति विश्वास, उनका छह शरणागति है, उसमें एक शरणागति का लक्षण है उनको पूर्ण विश्वास है भगवान जरूर हमें रक्षा करने वाले प्रभु है। मारे हरि तो राखे के, राखे हरि तो मारे के, जिनके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए वो तो भगवान का शरणागत भगत है, जब कृत्या को देखा वहीं पर खड़े होकर, अगर प्रभु की इच्छा हो, अगर इसको हाथ में मेरे मृत्यु हो, हम कहीं भी जाकर मेरे रक्षा नहीं मिलेगा। अगर ठाकुर का इच्छा हो, जो इच्छा ठाकुर का इच्छा है, वो तो पूरा शरणागत होते, वो तो हाथ जोड़ करके प्रभु का स्मरण कर रहे थे। लेकिन जो सुदर्शन चक्र भगवान का, जो प्रभु चक्र की उदाहरण करके रखे, चक्र धारण करने का एक ही कारण है, जो शरणागत जो भक्त है केवल उनको रक्षा करने के लिए प्रभु चक्र धारण कर रहे हैं। भगवान पहले से ही ये चक्रों का आदेश देकर रखते, बोले चक्र ये अंबर से महाराज 24 घंटा मेरा भजन करता है, अभी उसका रखवाली दायित्व तुम्हारा है, तुम उसको रक्षा करना। सुदर्शन चक्र उनको रक्षा करता था, जब देखा कृत्या प्रकट हो गया, झट वहां पर सुदर्शन चक्र झट प्रकट प्रकट होकर के करोड़ सूर्य से भी ज्यादा तेज है, और राक्षस को खत्म कर दिया। खत्म करके उल्टा दुर्वासा को उन्हें मारने के लिए पीछा किया, फिर तो दुर्वासा वहां से भागे प्राण को लेकर के। उन्हें पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को प्राण बचाओ, बोले क्या हुआ, बोले ऐसी बात, बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुम भक्तों को चरण में अपराध किया, भगवान से भी भक्त बड़े होते हैं, अगर तुमके रक्षा करने जाऊंगा मेरा ब्रह्मलोक नष्ट कर देगा सुदर्शन चक्र। फिर उन्होंने शंकर जी के पास में गए, बोले त्राहिमाम त्राहिमाम, बोले क्या बात सारी कथा में, बोले मैं रक्षा नहीं कर, भाग यहां से जल्दी, नहीं तो ये चक्र मेरे कैलाश को ध्वंस कर देगा, ये प्रभु का चक्र है, प्रभु इसलिए चक्र धारण करते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए। भक्तों के चरण में, प्रभु के चरण में अगर कोई अपराध करे उसको माफी है, लेकिन भक्तों के चरण में कोई अपराध करे तो उसका कोई माफ नहीं। हाँ मैं एक रास्ता बता सकता हूँ, बोले बताओ जल्दी जल्दी बताओ, चक्र मेरे खत्म कर देगा, बोले जिनका चक्र आप उसको पास में जाओ। अभी चक्र सीधा अंबर सिंह महाराज सीधा ये दुर्गा सारी सीधा चले गए वैकुंठ, और भगवान का चरण में साष्टांग प्रणाम करे, प्रभु त्राही माम त्राही माम। जो बोले बोले क्या बात है, सब बात सुना है, बोले देखो जो दया है वो हृदय से होता है, दया हृदय से करते हैं, लेकिन मेरा हृदय तो मेरे पास में है ही नहीं, मेरा हृदय तो भक्तों के पास में, अब भक्त का जो हृदय तो मेरे पास में। इसलिए तब भगवान जो छाती से जो कपड़े को हटाए, जो उन्होंने अम्बरीश के ऊपर में जो कृत्या अग्नि जो भेजा था, देखा भगवान का छाती में बला पड़ा हुआ, प्रभु दिखा है देखो जब तू मेरे किसी भक्तों के ऊपर में कोई अत्याचार करता है, वो भक्त नहीं वो मेरे ऊपर में होता है, क्योंकि मेरा हृदय भक्तों का हृदय मेरा हृदय रहता है। इसलिए हे दुर्वासा, तुम अपना को तो बहुत बड़े जोगी मानते हो, और अम्बरीश को मानते हो गृहस्थ है, अब तुम अपना अपन क्या सोचते हो, हम बहुत बड़े त्यागी है। इसलिए शास्त्र ने बताया गृह हो त्यागी हो, वो भले ही गृह हो त्यागी हो, लेकिन भक्त में भेद नहीं, जो जितना जहां पर भक्ति करता है वो उतना ही श्रेष्ठ है, त्यागी होने से कुछ नहीं होता है, अगर भक्ति नहीं भजन नहीं तो क्या किस चीज की त्यागी है, क्या कपड़ा पहनने पर घर त्याग करने से त्यागी हो जाता है। इसलिए तू अपना को त्यागी मानते हो, देखो किसका अंदर में ज्यादा भक्ति है,
जब तुम उसको मारने के लिए एक कृत्या को तुमने उसको ऊपर निक्षेप किया, तुमने देखा अम्बरीश महाराज कहीं इधर उधर भागते हुए, अम्बरीश महाराज एक जगह में खड़े रहे, अगर ठाकुर को जो इच्छा वही होगा। लेकिन तुम तो इतना बड़े त्यागी हो, इतने बड़े जोगी हो, और सारा दुनिया क्यों भटक रहे हो? इसका मतलब है तुम्हारा भगवान का प्रति शरणागति नहीं, भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं। देखो अगर कांटा अगर प्यार में चुभ जाए वो सिर का तरफ में नहीं निकलता है, कांटा जिधर चुभे कांटा उधर से निकलता है। तुमने जो अपराध किए है, तुम मेरे प्रति अपराध नहीं किया, तुमने अम्बरीश महाराज का प्रति अपराध किया। जाओ उनके पास में वापस जाओ। फिर उन्होंने भागते भागते आए और कितना दिन से घूम रहे थे, लेकिन अम्बरीश महाराज देखो संतों का कितने बड़ा हृदय है और कितने दयालु है। एक कितना साल तक घूमते रहा, लेकिन अम्बरीश महाराज बड़े दुखी हो गए, आज मेरे वजह से एक जोगी को दुर्वासा जी को दुख भोगना पड़ रहा है, इसलिए वो एक जगह में खड़े रहे, भोजन नहीं किए, भोजन नहीं किए, क्योंकि हमने के मेरे घर में अतिथि आए उनको खिला नहीं पाए। तो कितने बड़ी हृदय है। जब दुर्वासा जी आए, आने से पहले माफी मांगने से पहले अम्बरीश महाराज उनको चरण में उल्टा माफी मांगे, दुर्वासा तो चकाचौंध हो गए, बोले आज मैंने भक्तों की महानता देखी। हाँ, क्योंकि वो थे भक्त, वो थे जोगी, ये भक्त है अम्बरीश, वो जोगी है, वो देख रहे हैं बोल रहे हैं, आज मैंने देखा ये संतों का संत हृदय नवनीत समाना। हाँ, संत कितने दयालु, संत कितने कृपालु होते हैं, कहा मैंने अपराध किया, ये उल्टा मेरे चरणों में माफी मांग रहे हैं, सचमुच से आप महान हो। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को बोले, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने कभी पुण्य कुछ किया है आप वापस चले जाओ। बोलते ही चक्र वहीं से वापस चला गया। फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को फिर घर में भोजन कराए, भोजन करके उन्होंने फिर अपना व्रत रखा। यहाँ सिखा देते हैं कि एकादशी व्रत की कितने महिमा है। हाँ, दुर्वासा जैसे शंकर जी के अवतार है, अगर कोई एकादशी व्रत रखे तो जिनको सुदर्शन चक्र रखा करता है, भगवान स्वयं उनका रखा करते हैं, और जितने बड़े जोगी भोगी क्यों नहीं हो, आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, भगवान चक्र आपको रखा करेगा। ये कथा को सिखा देते हैं, इसलिए एकादशी व्रत सबसे बड़ी व्रत है। श्री एकादशी व्रत हमको कोई, जब हम भक्ति जगत में आते हैं हमको कोई व्रत नहीं रखनी चाहिए, कोई व्रत पार व्रत सो मंगल कोई व्रत नहीं रखनी चाहिए, केवल हमको ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए, जिसको नंद बाबा मैया जसोदा, हाँ कुछ कुछ लोगों का धारणा है हर भार कर नहीं, इसको विधवा रखते हैं, सदवा नहीं रखते, किस शास्त्र में जो बात नहीं है, इसलिए शास्त्र में है 8 साल से लेकर 80 साल तक कंपलसरी सभी को ये एकादशी व्रत रखनी चाहिए। और कल मैं मंदिर में बता रहा था साइंटिफिकल रीजन क्या है, क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने, उन बड़े बड़े साइंटिस्ट ऋषि मुनियों ने थे, उन लोगों ने क्यों एकादशी व्रत को रखा, इसका जो साइंटिफिकल रीजन मैंने कल बताया, सुना कि नहीं? हाँ, इसलिए वो साइंटिफिकल रीजन है, शरीर के लिए सुस्तता भी ये प्रदान करता है, हर तरह से ये लाभ ही लाभ है, इसलिए एकादशी व्रत है, इसलिए आप लोग सब एकादशी व्रत रखना, और सब कैसा भगवान की भक्ति करो भजन करो, ठीक है? एकादशी रखती कि नहीं? हाँ, पहले रखती थी? हाँ, एकादशी व्रत एकदम पूरा अच्छी तरह से रखते एकादशी व्रत, और भजन करो, जैसे तुम्हारी बहू जी गला में धरे तुलसी कंठी बहनी है, हाँ, और तुम्हारा बेटा बेटा है ना, हाँ, इसलिए आप दोनों भी गला में तुलसी कंठी पहनो और भगवान की माला जप करो, भगवान की भजन करो। ये जीवन प्रभु ने भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों, हे अयोध्या वासियों, ये विषय भोग के लिए मानव जन्म प्रभु नहीं दिया, ये कुत्ते सुअर गधे ये सब विषय को भोग करते हैं, ये जीवन का जो उद्देश्य है प्रभु राम समझा रहे हैं, केवल प्रभु का भजन के लिए ये जीवन दिया गया है और किसी काम के लिए मानव जन्म नहीं, केवल एक ही उद्देश्य है भगवान के भजन करते हुए, और ये मुक्ति का द्वार है, इसी जीवन में ही हम भगवान को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं, इसलिए हमको तुलसी कंठी तिलक और ठाकुर जी की सेवा पूजा हमको अच्छे तरह से एकदम नियम से करनी चाहिए, हाँ, तभी ये जीवन की सार्थकता है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय माधव जय कुंज देखे और सब कुछ बता दे, केवल आपका पहले ऐसे ज्योतिष काक विद्या करते हैं, केवल आप मुखमंडल को देख करके बता देंगे अब घर में कितना माल है घर में और तुम्हारी क्या क्या स्थिति में, हाँ इस सारी बात को बता देंगे। एक ज्योतिष ने उसको देखा, देख करके बोले बोले तू रास्ता रास्ता में दर दर भटक रही क्यों, तो हम बड़े दुखी, पिता रहता बड़े सुखी थे, पिता जब चले गए हम बड़े दुखी। ज्योतिष कहता है देखो मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, देख तू बहुत बड़े अरब खरीब घर पर बैठे हो, बोले हम कैसे खिले की उड़ा रहे, बोले झूठ नहीं बता रहा सच बता रहा हूँ, देख तुम्हारा जो घर है घर में चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाएं हैं, फिर चार दिशा में एक सोने का कलश में हीरे जवाहरात असर किया भरा पड़ा हुआ और वो पूर्व दिशा में रखा हुआ है,
देखो सावधान, तुम उत्तर दिशा का मिट्टी नहीं खोदना। अगर उत्तर दिशा का मिट्टी खोदोगे वहां एक बहुत बड़ा अजगर सांप रहता है। अगर वो अजगर सांप निकल गया जिंदा जिंदा तेरे को निकल जाएगा। दक्षिण दिशा उधर का मिट्टी नहीं खोदना, इधर ततिया रहते फिर बड़े बड़े कीड़े होते ततिया। अगर वो ततिया अगर निकल गए, अगर दो चार दिन को काट दिया ना भूल जाएगा मर जाओगे। खबरदार उधर का मिट्टी को खोदना नहीं। जो पश्चिम जो दिशा है उधर भी नहीं खोदना। उधर एक बहुत बड़ा जक्ष रहता है, भूत रहता है। अगर उसको मिट्टी खोदोगे वो जक्ष निकलेगा फिर तो तुम खा जाएगा। लेकिन वो जो माल है वो रखा हुआ पूर्व दिशा में, और उधर का मिट्टी ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं। अगर थोड़ी सी तुम मिट्टी खोदोगे वो सोने का कलश निकलेगा, फिर तो तुम माला माला हो जाओगे तुम। अरे भैया हमारे पिताजी इतने सारे माल रख कर गए, बोले तुम जो छोटा था तेरे पिताजी इसको रख कर गए, लेकिन तेरे पिता के साथ मेरे मित्र है तेरे को बोल नहीं पाए क्यों तुम छोटा था, इसलिए ये बात मेरे को पता है। बड़ा खुश हो गया, इतना धन दौलत हमारे घर में और बिना खाए पिए मार मार में भटक रहा हूँ। सचमुच से अपना घर में आया, घर में आकर के पूर्व दिशा का सचमुच से थोड़ी सी मिट्टी हटाया, दिखाओ सोने का कलसी। जब उसको निकाला उसके अंदर में इतनी कीमती कीमती हीरे जवाहरात रखा हुआ, जब एक एक को बेचा दिखा तो बहुत, कभी सुनते थे इतना रत्न होता था, एक एक अरब खरब रुपया एक एक कीमत, फिर तो माला माल एकदम हो गया। हाँ माला माल हो गया। श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी को कहानी बताए। हाँ कहते इसका मतलब क्या है, कहते इसका मतलब है वो जो दुखी दरिद्र होकर जो जीव भटक रहा था हम ही सब है। संसार में दर दर भटक रहे, इधर ठोकर खा रहे उधर ठोकर खा रहे उधर ठोकर खा रहे, संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये दुख कष्ट में हम जर्जरित हो रहे, दुख कष्ट भोग कर रहे। एक समस्या दूर करने जाते चार पांच समस्या सामने खड़ी हो जाता है, तरह तरह का दुख कष्ट भोग कर रहे। कभी ये ज्योतिषी कौन है कि ये ज्योतिषी सदगुरु है, ये शुद्ध जो गुरु वैष्णव कहते ये ज्योतिष है। तो उन्होंने हमको देखा, हम संसार में बड़े दुखी 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 हो रहे हैं, हाँ बड़े परेशानी परेशानी दुखी दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने हमको बुला कर बोले तू दुखी दुखी हो रहे हो, अरे तू जानते हो तू है कौन, तुम पता नहीं तुम कौन हो, बोले तुम अमृत से पुत्रा, हम जितने हैं किसके पुत्र है, बोले अमृत का पुत्र है, हमारा पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कौन है, बोले भगवान कृष्ण स्वयं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं मम हिवांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है वो मेरे अंश है, मैं जैसे सनातन हूँ नित्य हूँ सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, जीव का अंदर में भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव है वो अविनाशी है वो अमल है वो चेतन है वो सुख का ढेर है, लेकिन वो माया में बद्ध होकर के बिलबिला रहे दुख कष्ट भोग कर रहे। प्लस तेरे सारे माल तुम्हारे हृदय में रखा हुआ, तेरे पास में ही सारे माल है और सारा दुनिया तुम दुखी दुखी और ढूंढ रहे घूम रहे हो। हाँ कर देखो अभी चार दिशा किया, ये चीज को अच्छी तरह समझो। क्या तुमने बताया उत्तर दिशा में उधर एक बहुत बड़ा अजगर सर्प, इसका मतलब है कि अजगर सर्प कौन है, बोले मुक्ति। अगर तुम ज्ञान का तरफ में भागना नहीं, जो भगवान को निराकार कहते हैं, इनका स्वरूप नहीं है इनका रूप नहीं है वो आकार शून्य है, तुम ही ब्रह्म हो, तुम पहले ब्रह्म था और तुम माया पकड़ लिया तो जीव बन गया, अभी बिलबिला रहे हो फिर ब्रह्म में जाकर लीन हो जाना, बोले खबरदार उस तरफ में कभी मत जाओ। उस तरफ में जाओगे तो उसको उदाहरण दिया ये अजगर सर्प है, जैसे अजगर सर्प संपूर्ण जीव को निगल लेता है, जो मुक्ति है ठीक ऐसे ही हाँ? जिसको कहते ब्रह्म साजुज्य, ब्रह्म में साजुज्य मतलब वो ब्रह्म में जाकर मिल जाना। मिल जाने पर क्या होता है, तो जन्म तो नहीं होगा मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन भगवान जो रस स्वरूप है प्रभु जो आनंद स्वरूप प्रभु जो प्रेम स्वरूप है हम उससे वंचित हो जाएंगे। वो ब्रह्म में अगर लीन हो गए तो गया थोड़ा जीवन ही गया। हाँ इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भक्त मुक्ति ग्रहण नहीं करते, बोले दियमानो भी न गृह्णन्ति,
मेरे भक्त लोग मुक्ति को सबसे गंदा मानते हैं, मतलब मुक्ति जैसे गंदा चीज जगत में कुछ भी नहीं। भले नरक हम चले जाए, नरक से फिर तक भी उद्धार होगा, फिर तो भक्तों का संग होगा तो भक्ति मिलेगा, लेकिन इनको फेर में पड़ गए तो गया जीवन पूरा मिट गया। इसलिए महाप्रभु खबरदार ज्ञान की तरफ में मुक्ति की तरफ में मत जाओ। बताया जो दक्षिण दिशा में कभी ततिया है, बोले ततिया क्या, बोले कर्म है, बोले कर्म का तरफ मत जाओ। अगर कर्म में फंस जाओगे, हाँ कर्म मतलब होता है इस शरीर को मैं और मेरा मान करके हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें भोग करने वाला हम ही, ये कर्म का चक्र में मत जाओ, क्योंकि इसी कर्म चक्र में पढ़ करके क्या हो रहा है, हम 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष्य भ्रमण कर रहे हैं। इसी जीवन का कर्म का फल लेकर दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन का कर्म लेकर तीसरे जीवन में, ऐसे 84 लक्ष्य हम भटक रहे और दुख कष्ट भोग कर रहे। खबरदार ये ततिया है, ततिया जिसे काटते है ना, ये कर्म का फल क्या है, कर्म का फल संसार में आए तरह तरह दुख कष्ट भोग करे, आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, इसका बीमारी हो गई, घर में इसका हो गया, यही कष्ट 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 भोग रहे। खबरदारी कर्म का चक्र में पड़ना नहीं। हाँ फिर कहते जो पश्चिम दिशा क्या है, कहते वहां पर जक्ष है, कभी जक्ष क्या है, बोले जोग मार्ग है। कहते ये जोग मार्ग तरफ में फंसना नहीं, ये जोग मार्ग भी ठीक वैसे ही है। हाँ जो जोगी लोग होते हैं अगुष्ट परिमाण, ये परमात्मा को अपना हृदय में ध्यान करते हैं, हृदय में ध्यान केवल करते हैं, एक आत्मानंद को भोग करते हैं। कहते वो उसका उदाहरण क्या, जक्ष है, जक्ष जिसे खा लेता है उसी तरह ये भी जीवात्मा को वो भी नष्ट कर देता है, इसका भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बोले जो का तरफ में भी फंसना नहीं, हाँ जो का तरफ में अगर फंस जाओगे बस जक्ष हो जैसे खा लिया तुम, इसलिए उस तरफ में नहीं जाने का। बोले करना क्या है, बोले पूर्व दिशा में जाना। बोले पूर्व दिशा क्या है, बोले पूर्व दिशा भक्ति दिशा है, प्रेम दिशा, प्रभु की भक्ति के मार्ग है। बोले देखो ज्यादा मिट्टी खोदने का जरूरत नहीं तुमको, ज्यादा मिट्टी खोदना मतलब होता है ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, भक्ति मार्ग में परिश्रम की जरूरत नहीं। अगर थोड़ी सी तुम मिट्टी खोदोगे और स्वर्ण का कलश निकलेगा, मतलब थोड़ी सी अगर परिश्रम करोगे तो ज्यादा परिश्रम नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, जो ज्ञान मार्ग जो योग मार्ग कठिन मार्ग है, लेकिन मेरा जो भक्ति मार्ग है जो प्रेम के मार्ग ये सरल मार्ग है। हाँ प्रभु का भक्ति का मार्ग सरल मार्ग है, कहते केवल भक्ति को द्वारा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं केवल भक्ति को द्वारा ही जीव मुझे प्राप्त करता है। अब कहीं नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं योगी का भगवान, कोई बोलता है क्या बोलते हैं, किसका भगवान है, भक्तों। हाँ हर शास्त्र कहता है भगवान भक्त का ही है, और ज्ञानी का भगवान नहीं, कर्मी का ही भगवान नहीं, योगी का भगवान नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले कर्म भीष्ट अधिक योगी, ज्ञानी हो अकमत अधिक। बोले ये कर्मी से योगी श्रेष्ठ, योगी ज्ञानी, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। फिर कृष्ण क्या कहते हैं, बोले योगी नाम अभी सर्वेशम, बोले योगियों का अंदर में भी श्रद्धावान भजेत जो माँ, जो मेरे को भक्ति पूर्वक भजन करते हैं श्रेष्ठ है। और जो ये मेरा मत है वो श्रेष्ठ है जो मेरा भक्ति पूर्वक मेरे को भजन करते हैं। कृष्ण उद्धव जी को भागवत में भी कहते हैं बोले न साधय ते माम सांख्यम, न ज्ञान धर्म उद्धव है, उद्धव मेरे को ज्ञान भी वशीभूत नहीं कर सकता है, योग भी नहीं, कुछ भी मेरे को वशीभूत नहीं कर सकता है। जथा भक्ति ममर्जिता, भक्ति भक्तों को द्वारा जैसे मेरे को वशीभूत करता है और कोई मेरे को वशीभूत नहीं कर सकता, भक्त का ही भगवान है। और तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम को क्या प्यारे, कहते प्रेम केवल राम प्यारा, कहते भगवान राम केवल प्रेम ही प्यारा है, भगवान केवल प्रेम का ही वशीभूत है। राम का जितने भक्त देखो, सबर देखो, हनुमान देखो, तुलसीदास देखो, सुग्रीव देखो, विभीषण देखो, सबके सब भगवान भक्त है, कोई ज्ञानी कर्मी नहीं है, योगी कोई नहीं है, ये सबके सब राम के भक्त है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं हमको और किसी मार्ग के तरफ में नहीं जाने का, जाओगे तो जीवन तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। हाँ इसलिए हमको जाना तो कहाँ जाना है, फिर भगवान की भक्ति मार्ग में जाना है। इसलिए पुराण में एक श्लोक है, श्लोक में बताया कहते हैं कहते राजपुत्र चिरंजीवी, कहते हैं राजपुत्र तो चिरकाल जिंदा रहो, कहते माँ जीव ऋषि पुत्र का,
कहते हे ऋषि पुत्र तू जल्दी जल्दी तू मर जा, और कहते व्याध कहते माँ जीव हाँ कहते माँ जीव ना माँ मर, खुद जीवित भी मत रहो मर भी मत। और साधु के लिए बताया साधु जीव वा मर, साधु के लिए बताया तुम जीवित भी रहे और मरा मरे मरो भी, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। इसका मतलब है कहते राजपुत्र चिरंजीव, कहते हे राजपुत्र तू चिरकाल जिंदा रहो। बोले क्यों? बोले जब तक केवल जिंदा रहोगे तेरा जीवन में सुख, मरने के बाद कोई सुख नहीं, क्योंकि प्रजाओं को तुम कष्ट दे करके केवल त्याग से आदाय करके तुम भोग कर रहे हो, केवल इसी जीवन में इतना सुख है, अगली जीवन मरने के बाद तुमको घर नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रजाओं को शोषण करके केवल तुम त्याग से कर आदाय करते करते अपना जिंदा कर रहे हो। इसलिए राजपुत्र तू चिरंकाल जिंदा रहो। ऋषि पुत्र कहते हे ऋषि पुत्र तू जल्दी मर जा। बोले क्यों? बोले जो ऋषि पुत्र होते हैं कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या जो तपस्या करते शरीर को बड़ा कष्ट देते हैं। बोले इसी जीवन में तेरा कोई सुख नहीं है, तेरा सुख है जो तपस्या कर रहे हो बाद में तेरा सुख मिलेगा, चले तू जल्दी मर जा। कहते व्याध बोले तू जिंदा भी मत रहो और मर भी मत। बोले क्यों? बोले जिंदा रहोगे जानवर को मारोगे, अब मर जाओगे जितना जानवर मार रहे हो फिर तुम उतना जानवर तुमको मारेंगे, वो सब के सब तेरे को मारेंगे। हाँ इसलिए जिंदा रहने भी तुम दुखी और मरने पर भी दुखी। लेकिन ये बताए जो साधु है, बोले साधु जीव और कर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं भगवान की, कर तुम्हारा दोनों हाथ में लड्डू है, कर तुम्हारी दोनों हाथ में लड्डू। बोले क्यों? कर देखो जैसे भगवान का भक्त होते हैं, कर भगवान का जो भक्त होते हैं देखो अभी जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं कथा सुन रहे हैं उसके बाद में फिर प्रसाद मिलेगा, इसलिए कहते जो भक्ति में कोई कष्ट नहीं है भगवान, इसलिए कृष्ण गीता में कहते जो भक्ति मार्ग भक्ति भी रियो मार्ग भी भक्ति मार्ग सर्व मार्ग है भगवान की। हाँ इसलिए महाप्रभु कहते हैं नाचे गाओ भक्त संग कर संकीर्तन, महाप्रभु कहते हैं खूब भक्तों के साथ खूब नाचो खूब कीर्तन करो खूब ठाकुर का भजन करो। उत्सव होता है आज जैसे गिरिराज उत्सव करेंगे, उनका कथा भी आनंद है, उनका कीर्तन भी आनंद है, उनका बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी आनंद है। इसलिए जो भक्ति मार्ग है भगवान कृष्ण कहते हैं महाप्रभु कहते हैं अखंड दरिया कर प्रसाद सेवन, खूब कंठ तक खूब खाओ बढ़िया बढ़िया पनीर का सब्जी रसगुल्ला हलवा सब्जी खूब प्रसाद पाओ, और क्या करो बोले खूब कीर्तन करो भगवान की खूब भजन करो। इसलिए भक्ति मार्ग जो सरल मार्ग है, हाँ इसलिए कहते भक्ति मार्ग में सब कुछ आनंद भक्ति में, हाँ भक्ति में कोई कष्ट नहीं है और इसी जीवन में तुम्हारा सुख है, और जब मरोगे भगवान वैकुंठ से रथ भेजेंगे गोलोक वृंदावन से, फिर भगवान रथ में बैठा करके आपको धाम ले जाएंगे। तो तुम्हारे दोनों रास्ता जो दोनों तक दोनों हाथ में तुम्हारी लड्डू लड्डू है। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग है वो सबसे सरल मार्ग भगवान की प्रेम की मार्ग है, भगवान की भक्ति का मार्ग है। इसलिए हम लोगों को जीवन में इधर उधर नहीं जा करके क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति मार्ग पर चलनी चाहिए, भगवान की सेवा पूजा भक्ति कर। ठीक है कीर्तन कर देते ठाकुर जी आरती कर देना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण